जिया जी, ये रक्षाबंधन क्या आते हैं, आदमियों को बड़ी दिक्कत हो जाती है। हाँ दिक्कत तो हो जाती है, अब क्या बताएं। तुम्हारा आदमियों का क्या, घर में दिवे रहती हो, काई की दिक्कत। दिक्कत तो हम औरतों को होती है कि सज धज के चलो आओ। हाँ अरे जी जी, अरे साल में एक बार त्योहार आता है, काय की दिक्कत है। मैं कोई दिक्कत नहीं है। अरे रास्ते में आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई तुम्हें? तकलीफ तो हमें इस आदमी से है जो ये हमारे मत्थे बढ़ गया है, इससे एक काम ढंग से नहीं होता। अरे क्या हो गया जी जी, गाय जैसे जीजा हमारे, इनसे क्या गलती हो गई? गाय नहीं, ये गोबर है तुम्हारे जीजा। गोबर मतलब जी जी? इनसे कपड़ों से भरा बैग नहीं संभाला गया, पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है इस आदमी का। माला नहीं गया मतलब, कहीं छूट वूट गया क्या? छूट गया? अरे भूल गया, ये आदमी उतारा ही नहीं ऑटो में से, इतना में ऑटो वाला लेके भाग गया। देखते रहो सकल। अरे चीची, अरे कपड़े ही तो हैं, अब क्या हो गया, छूट गया तो छूट गया। अरे अब क्या इस बात पर इस बेचारे की जान लेके मानोगी क्या? जैसा जीजा है बेचारा हमारा, कुछ कहता भी नहीं है बेचारा हमारा जीजा, चुपचाप सुनता रहता है तेरी बातें। वैसे तो बिगड़ने कुछ काम बिगड़ ही जाता है। अब परसों के दिन तुम्हारी भाभी का मोबाइल खो गया था, बेचारी ने एक लफ्ज नहीं कहा हमसे। अरे बुआ पहले हम बताते हैं क्या हुआ मालूम है, दो दिन तक पापा को लोटी नहीं मिली। तमीज फूफा बैठे है तब से पानी पत्ता का नहीं पूछा, फूफा के लिए एक गिलास पानी लेकर चल। अरे भाई साहब, आपका पानी पिला पिला के पेट पालने का इरादा है क्या? हैं? तब से दो बार पानी पिला चुके, अब चाय पानी मिठाई मंगवा लेते तो अच्छा रहता। अरे जीजा जी, क्या क्या नहीं मंगवाएंगे। अरे वो सुनीता अभी चाय बना रही है। गोलू गोलू एक काम कर, तू फूफा के लिए पांच वाली पाल ले जी। अरे पांच वाली चाचा चौधरी नमकीन ले गयो, जा प्रतीत से जा दौड़ के। अरे भाई साहब ये सब रहने दीजिए। अच्छा तो चाचा चौधरी नमकीन नहीं। गोलू एक काम कर, आलू भुजिया ले आना पांच वाली। अरे पापा फूफा आलू भुजिया नहीं खाते, फूफा को मूंगफली के दाने पसंद है, बोले के आऊंगा इनके लिए। जहाँ जाते हो हमारी नाक कटवा देते हो तुम, देखो अभी तक याद है बच्चे को, पिछली बात तुम एक कटोरी मूंगफली के दाने टकार गए थे। मैंने कहा था छोड़ दो नहीं। अरे कोई बात नहीं जी जी, अरे जीजा जी है इनका ही घर है, क्या बात है, खा लियो तो खा लियो और आ जाएंगे। लिया गोलू जा मूंगफली के दाने ले गया। अरे तो मूंगफली के दाने हमें अच्छे लगते हैं ना। अरे कोई बात, अरे गोलू गया नहीं तू अभी तक, जा लेके। अरे ठीक है पापा, अभी लेके आता हूँ दस वाला पैकेट। अरे ची चाची, हैप्पी रक्षाबंधन, ये लो चाय पी लो। अरे हैप्पी रक्षाबंधन। हर चीज ही नमस्ते, देर होगी तुम्हें आने में है। नमस्ते भाभी जी। अरे देर इस आदमी की वजह से हो गई। ये लो जीजी और जीजा जी, लो गर्मा गर्म चाय पियो लो। अरे भाभी ये कौन सा तरीका है, चाय के साथ मिठाई कौन खाता है? अरे क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी खा लो अगले दिन तो एक जैसा ही निकलता है। अरे यार जीजा यार, कितने गंदे आदमी हो यार तुम, खाते पीते वक्त ऐसे क्यों बात कर रहे हो कि एक ही होके निकलता है। अरे सबको पता है, सोचो तो गंदा है वरना चमड़ी के भीतर क्या है, बताओ मलमूत्र। यार सबको पता है यार गंदा है यार। जीजी अब तुम एक काम करो यार, राखी बांध दो, हमारे अम्मे मिठाई तो खा नहीं सकता यार, जी खराब कर दिया जीजा ने। कोई बात नहीं, अब आप राखी बंधवाई, हम मिठाई हम खा लेंगे। हाँ खा लो तुम ये मिठाई खा लो, जीजी बांधो जल्दी बांधो। हाँ ठीक है लाओ राखी बांध दे। किसने बांध दी है तुम्हारी राखी? अरे अरे ये राखी, अरे वो पड़ोस वाली चाची नहीं है, उनकी लड़की ने बांध दी है। अब समझ में आया क्यों नहीं किया हमको फोन, मम्मी बेवकूफ है जो बिना फोन किए राखी बांधने चले आए। अरे अरे जीजी, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, अरे कल ही ये गुप्ता साड़ी वाले से साड़ी लेकर आई है, ये तो एक हफ्ते पहले ही बोल रहे थे कि अब की बार जीजी को रक्षाबंधन पर साड़ी दूंगा मैं। हमें सब पता, तुम भी झूठ बोल रही हो, वरना दिखा कौन सी साड़ी देंगे ये हमें, कौन सी लेके आई। ए गोलू चल बेड पे एक साड़ी रखी है, लेके आइए जल्दी। मम्मी अभी लाता हूँ। अरे वो गोलू अभी तक मूंगफली के दाने नहीं लाया। इन्हें मूंगफली के दाने की पड़ी है, साड़ी नहीं देखने दोगे हमें, कौन सी मिलेगी? देख लो पहले तुम साड़ी देख लो। मम्मी ये लो साली। अरे अरे गोलू ये तो मेरी वाली उठा लाया तू। अरे कोई बात नहीं भाभी जी, हमें ये अच्छी लग रही है, हम ये वाली ले लेंगे। अरे जीजी, अरे ये तो मैंने दो बार पहन ली जीजी, अब ये उतरन पहनोगी अच्छा लगेगा। अरे मम्मी, अरे ये तो नई वाली साली है जो कल ली थी। ए गोलू चुप। अरे बुआ मम्मी आँख मार ली है देखो। अरे अरे मेरी आँख में कुछ चला गया था भाभी जी, तू चल।
जाने दे बुआ को, तब तेरी पिटाई करूंगी। ए मम्मी, अरे तुम ही तो कह रही थी कल ये फैली वाली साली बुआ को देनी है। अरे चीची, ये तो मजाक कर रहा है गोलू, बुआ से मजाक करता है तू? जा वो दूसरी वाली साड़ी उठा के ला। अरे भाभी, जब हम कह रहे हैं मैं यही वाली साड़ी दे दूं, तुम वो वाली ले लेना, क्या बात है? हाँ साड़ी ले लो तुम पहले, मगर हमारे राखी नहीं बांधी, साड़ी की पड़ी है। हम राखी तभी बांधेंगे जब हमारी साड़ी पता चलेगी हमें कौन सी साड़ी मिलेगी बस। अरे चीची, मंगवाइए आपके लिए भी इससे बढ़िया साड़ी मंगवाइए। अच्छा तो हमें दिखाओ पहले। गोलू, दूसरी वाली साड़ी लेके आ चली। मम्मी, अभी लेके आता हूँ साली। बताओ चाय पिए कितना टाइम हो गया, अभी तक मूंगफली के दाने नहीं आए। अरे मम्मी लो लो साली लो। वो गोलू, तुझसे मूंगफली के दाने लाने की बोली थी, कहाँ मूंगफली के दाने? अरे पापा, वो परचून वाला मोहन कहलाता कि अपने बाप को बेच जो 350 रुपए उधार कर गया है, चंदन पे देने की बोली थी अभी तक नहीं दिए। अरे यार, इस मोहन के भी नखरे बहुत हो गए हैं। ए तू नगल ले जा ले। अरे यार खुले पैसे नहीं है, एक काम कर। अरे चिया जी, दे देना 10 का नोट। ले गोलू, तू अपने पापा से ले ले 20 रुपए, चल। अरे बताओ, अभी तो 10 रुपए मांग रहे थे, अब 20 रुपए कर दिए, यार ये कौन सी बात रही? तो 20 रुपए की यार क्या नमकीन आएगी, 4 दाने आएंगे मूंगफली के, वो तुम ही खा लोगे, हमारे लिए भी ले आएगा एक पैकेट। अरे यार, जब हमारे ही पैसे से हमें खिलाओगे तो हम खुद ना खरीद के खा लेंगे, बताओ। अरे जीजा जी, कैसी बातें कर रहे हो तुम, मतलब क्या तो तुम्हारा पैसा क्या अलग है? ए, तुम्हारा पैसा हमारा पैसा, हमारा पैसा तुम्हारा पैसा, तुमको कभी हमने रिश्तेदार नहीं माना जीजा जी, तुम तो हमारे घर के सदस्य हो एक। ठीक है भैया, ले लो 20 रुपए, अब क्या ही बताएं। बोलू, ले 20 रुपए फूफा से, और फूफा के लिए एक तो 10 रुपए का पैकेट ले आना मूंगफली के दाने का, और मेरे लिए विमल ले आना जुमा केसरी, ठीक है? दौड़ के जा। पापा मैं ले लिए। अरे यार तू भी लेगा, चल तू भी ले ले 10 रुपए फूफा से, और क्या है अब। अरे यार देखो, ये तो गलत बात हो गई भाई साहब, देखो अब हमारे लिए किराए के पैसे नहीं बचेंगे, फिर हम तो लटक जाएंगे ना। अरे यार बीच में क्यों लटक जाओगे यार, जब बिताई करेंगे तो यार सब तुम्हारा हिसाब कर देंगे। अरे यार 20 रुपए, फिर 30 रुपए, कंजूसी की बात होती है यार, तुम क्या हिसाब किताब कर दोगे हमारा, बताओ। यार जीजा यार, तुमने कर दी ना छोटी बात। यार तुम 20 रुपए के लिए रो रहे, हमने तुम्हें अपनी जीजी दे दी तब ना हम रोए। अरे यार तुम क्या रोगे, रो तो हम रहे हैं जिंदगी भर से, जीजी दे दी, बहुत एहसान कर दिया तुमने हम पे। अरे जीजा जी, अरे नाराज मत हो, ये लो एक काम कर, हम दे देते हैं 20 रुपए गोलू को। गोलू बेटा लो, जीजा के 20 रुपए वापस करो, लो चलो, ये लो जाओ लेके आओ नमकीन। ये होता है सम्मान, जिंदगी भर से तुम हमको लूटते चले आ रहे हो, बताओ हम कुछ कहते हैं? अरे यार जीजा यार, अब देखो तुम ज्यादा बोल रहे हो यार, यार मतलब 20 रुपए ले लिए तो तुम इतना सुना रहे हो। हाँ तो फिर सुनने वाले काम क्यों करते हो, बताओ। हाँ हम सुनने वाले काम करते हैं जीजी, तुम मैं राखी बांधो, वरना तुम कहोगी कि मैं आदमी से लड़ते हो। हाँ हमने कभी कहा है कि तुम लड़ते हो, लाओ बनवाओ राखी जल्दी, हम लेंगे ये वाली साड़ी बस। हाँ ले लेना जल्दी, फटाफट राखी बांधो बस। भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे